स्वागत और आज हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है जोशीमठ त्रासदी के बीच सुषमा स्वराज का ये वीडियो वायरल, सबको सुनना चाहिए। एक्चुअली त्रासदी का मतलब हम लोग को नहीं पता, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करते तो मतलब जो वाकया हुआ उस टाइम के लिहाज से बताया गया। तो चलिए देखते हैं कि क्या बोला है सुषमा स्वराज जी ने। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल और विशेष लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। सभापति जी, इसके साथ एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, विकास वर्सेस विनाश का। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, वीडियो में भी ये बात ये उसका नतीजा है। 2013 की हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं, प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहां एक धारी देवी का मंदिर है, उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको, उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी। उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी। हमारी पार्टी की नेत्री उमा भारती एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी उस धारी देवी को बचाने के लिए, एक एक के घर जाती थी। आडवाणी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल लेकर के, मुझे साथ लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास गई थी, पर्यावरण मंत्री से सैकड़ों बार मिली थी। हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया, हमें पर्यावरण मंत्री ने आश्वस्त किया, किसी भी कीमत पे धारी देवी वहां से हटाई नहीं जाएंगी। धारी देवी की मूर्ति अलग है, मगर धारी देवी वो शिला है जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे। लेकिन सभापति जी, आप जानते हैं ये मात्र संयोग नहीं है, मैं सदन के लोगों को बताना चाहती हूँ, उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुई, उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुई और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को लील गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, अपूज्याम यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम्। जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है मगर पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहां तीन चीजें ही घटती हैं, अकाल, मौत और भय। ये वहां की पूज्या, उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी का तिरस्कार हुआ और तीनों चीजें आ गईं। लोग भुखमरी से भी मर रहे हैं, मौत का भी तांडव हो रहा है और भय भी वहां व्याप्त है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, ये जो विकास वर्सेस विनाश का प्रश्न है, ये आज मुंह बाय खड़ा है। वहां गंगा जी के ऊपर कितने बांध बन रहे हैं आप जानते हैं। योजना आयोग की चतुर्वेदी समिति ने गंगा, भागीरथी और अलकनंदा पर 70 बांधों की स्वीकृति दी है, 70 बांधों की। आज रेवती रमण जी यहां बैठे नहीं हैं, दो दो बार चर्चा कराई है इस सदन में उन्होंने, हम सब सांसदों को साथ लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं। सभापति जी, गंगा हमारे लिए साधारण नदी नहीं है, गंगा हमारे लिए माँ है। पता नहीं आप उस दिन थे सेंट्रल हॉल में कि नहीं, मुझे आश्चर्य मिश्रित हर्ष हुआ था, इतना हर्षित हुआ था मन। जापान के प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करते हुए जब गंगा जी का नाम लिया था तो गंगा मैया कहा था। वो लोग हमारी भावना की कद्र करते हैं, वो हमारी आस्था की कद्र करते हैं, वो गंगा जी को गंगा मैया कहकर संबोधित करते हैं और हमारे लोग गंगा मैया को सुरंग में डालने की योजना बना रहे हैं। गंगा जी की धारा अविरल बहे, गंगा जी की धारा निर्मल बहे, इसके लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन गंगा जी को जो लोग सुरंग में डालना चाह रहे हैं, उस उत्तराखंड के लोगों को इस तरह की आपदाएं सहनी पड़ रही हैं जिसका शिकार पूरे का पूरा देश बनता है। इसलिए मैं आज यहां खड़ी होकर यह कहना चाहती हूं, धारी देवी को पुनर्स्थापित करने का काम करिए। मैं यहां से मांग करती हूं, गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांधों को निरस्त करिए। जितना मर्जी पैसा उस पर खर्च हो चुका होगा,
जो पैसा आपके राहत और पुनर्वास पे खर्च होने वाला है वो उससे कहीं कम होगा। जितना मर्जी पैसा खर्च हो गया हो मत दिखाइए हमें वो एस्टिमेट्स, मत बताइए कि इतना पैसा खर्च हो गया। अमूल्य जिंदगियां जा रही है, खत्म हो रही हैं। पूरे का पूरा उत्तराखंड आज विप्लव की कगार पर खड़ा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, गृहमंत्री जी, गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांध निरस्त कर दीजिए, ढारी देवी को पुनर्स्थापित करिए। भाई रिसेंटली जो है हमने प्रशांत सर की जो है वीडियो देखी थी, जिसमें उन्होंने जोशी मठ का बताया कि वहां पर जो है किस तरह जो है वो जमीन जो है अपनी जगह से हिल रही है, वहां पर घरों में दरारें पड़ रही हैं। तो उसके बाद ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि जो 2013 में सुषमा स्वराज जी जो कह रही थी कि प्रगति से जिस तरह जो है छेड़छाड़ हो रहा है उसे रोकना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि लेट सुषमा स्वराज जी बहुत ही अच्छी ओरेटर है, और जैसे हमने आज उनको सुना भी और जैसे उन्होंने बात भी की, तो कुछ चीजें मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे समझ में आती हैं, और कुछ चीजें जो है वो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगी। जैसे उन्होंने बीच में बोली बात कि वाकई में आप प्रगति के साथ छेड़खानी करते हैं, तो वो एक सेकंड लगाती है, मतलब आपकी जो सालों की मेहनत होती है और आप समझते हैं कि हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, सब खत्म कर देती है। ये मेरा ख्याल है ये चीज हर किसी ने विटनेस की है अपनी लाइफ में, तो वो चीजें वाकई में समझ में आती है। फिर मुझे ये चीज भी समझ आती है कि हर जगह की, जैसे कि हम सनातन धर्म में देखते हैं कि हर जगह के एक देवी होती है जो कि उस जगह को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है, वो भी मुझे समझ में आया। लेकिन मुझे ये चीज नहीं मतलब समझ में आई क्योंकि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी कि जो देवी का मंदिर है क्या वो वहां से कहीं और करने के बारे में सोचा जा रहा था, या जैसे गंगा मैया के बारे में बात की कि उसमें बांध बांधे जा रहे हैं 70 जो मतलब उन्होंने बोला, तो उससे मतलब क्या जो पानी है उसका रुख बदल जाएगा या उसमें कमी हो जाएगी? जब डैम बनाते हैं ना तो डिफरेंट डिफरेंट टनल्स बनाकर जो है ना पानी का रुख जो है वो चेंज कर दिया जाता है, चेंज किया जाता है, दूसरे दरियाओं की तरफ किया जाता है। लेकिन जो है सबसे बड़ा जो असर पड़ता है आपके जो आगे इनके फायदे भी होते हैं, आपको नुकसान भी करते हैं, क्योंकि एक नेचुरल फ्लो जो होता है दरिया का वो आप बंद कर रहे होते हैं। और बाकी जो बीच में जो धारी देवी माँ का जो जिक्र किया गया है उसके बारे में हम, क्योंकि इमादी ने पूछा कि उसे क्या वाकई वहां से हटाया जा रहा था या कहीं और जो है शिफ्ट किया जा रहा था, वहां पर उनकी मूर्ति जो है वो स्थापित कर दी जाए, इस तरह से कुछ किया जा रहा था, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि अब जैसे रिसेंटली जोशीमठ में हुआ भी इतने बड़े बड़े क्रैक्स हम लोगों ने देखे घरों में आपको देखने को मिल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पर मेरा ये यकीन है कि वाकई में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हमसे बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं मानते कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा बस ये हम लोग सोचते हैं तो इस वजह से हो रहा होता, बट आई थिंक ऐसी पावर्स हैं इस दुनिया में जो कि प्रोटेक्ट करती है, और ऐसी पावर्स हैं जो कि मतलब उस जगह को भी उतना ही प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, रादर देन मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसे सोल्यूशन होने चाहिए जो जिससे हम कम से कम डेवलपमेंट के नाम पर जो मतलब बिल्कुल जो नेचर है उसे कम से कम हम छेड़खानी करें। क्योंकि ये हकीकत है, हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं बेशक वो मैदानी इलाकों में हो बेशक वो पहाड़ों में हो, ठीक है ना, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा जो है नुकसान होता है, बहुत सारे दरख्त जो है वो आपको काटने पड़ते हैं, क्योंकि मोस्टली ये चीज अब आकर फिर भी जरा देखने को मिलता है कि भाई अगर इस तरह का कुछ होता है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से दरख्तों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, या रोड्स के जो बीच ग्रीन बेल्ट होती है उस या डिवाइडर जिसे हम कहते हैं उस पे जो है लगा दिए जाते हैं। लेकिन पहले वक्तों की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का कोई सीन नहीं था होता, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आपको याद हो बचपन में जब हम गुजरांवाला जाते थे जीटी रोड से बहुत ज्यादा हरियाली होती थी, जो खास कर डिवाइडर था रोड का उसपे बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे, बहुत बड़े बड़े, और अब जो है उस सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। तो इसमें कोई शक नहीं कि इंसानों ने जो है ना टाइम के साथ जो है ना नेचर के साथ बहुत छेड़छाड़ की है, हर तरह यानी जहां जहां से जो है ना हम कोशिश कर सकते हैं हमने की है। अच्छा वैसे बीच में जैसे उन्होंने बात की कि मतलब कुछ तो हुआ था जो कि धारी देवी मंदिर में जब उन्होंने बोला कि फिर उसके बाद फ्लड आया केदारनाथ में, और वाकई में वो ऐसा फ्लड था मतलब जो हम लोगों ने भी वीडियोस देखी हैं
कि उसमें बहुत ज्यादा जाने जो है वो जाया हुई है, जिस तरीके से वो फ्लड आया भी था उधर, मेरा ख्याल था क्लाउड बर्स्ट हुआ था। हाँ क्लाउड बर्स्ट तो हुआ था, लेकिन तुम ये देखो ना कि आपको अब जो मंदिर है वो हाँ, वहां पर अपनी जगह पर ही नजर हाँ, आता है। और जैसे वो एक बड़ा सा आपको हाँ, एक पत्थर जो था वो भी आपको मतलब जिस तरीके से उसने रोका था। सो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती हैं। तो एक चीज जो मेरे जहन में और आ रही है, जैसे गंगा मैया के बारे में बात की गई है, तो अगर मतलब बांध भी लेते हैं तो फिर मतलब उसके बाद क्या मतलब वो क्या चीजें हो सकती हैं जो कि डिस्ट्रक्शन वाली साइड पर जा सकती हैं? क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है तो मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ कि मतलब जैसे मौसम ने बोला कि इसे कुछ पॉजिटिव भी आपको चीजें देखनी पड़ती है, कुछ नेगेटिव भी उसके, क्योंकि आप एक नेचुरल चीज का जो फ्लो है और जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज कर रहे हो, बट उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं मैं वो एक्चुअली जानना चाह रही हूँ। मैं खुद भी पढ़ने की कोशिश करूंगी, लेकिन एक मैं आप लोगों का पक्ष जरूर जानना चाहूंगी। और आपको क्या लगता है कि वाकई में ये कितना एक दूसरे के साथ ये जो चीजें हैं प्रगति और ये जो डेवलपमेंट है ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ मैनेज हो सकती हैं कि हम कम से कम छेड़खानी करें ताकि हम में इतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना आए। और मैंने एक चीज देखी है कि इंसान जब बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाता है ना, और उसको सिर्फ ये पड़ी होती है कि हमने सिर्फ अपने मकसद में कामयाब होना, किसी भी तरीके से हमारे रास्ते में जो भी चीज आती है हम इसको इग्नोर करके बस हमने अपना हाँ उसमें सक्सेसफुल होना है, मुझे लगता है तब प्रगति रिवेंज लेती है। इसमें तो क्वेश्चन, मैं भी रिसेंटली आज सुबह की बात करूं तो मैं एक वीडियो देख रहा था कि यूके की वो वीडियो थी कि रोड पे मोटरवे टाइप वहां पे रोड बना हुआ है, उसके बीच में घर आ रहा था और वो बंदे ने अपना घर नहीं दिया, तो गवर्नमेंट ने वो ये नहीं कि जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना कि ठीक है भाई उखाड़ दो उठा दो, उन्होंने उसके साइड से दोनों साइडों से रोड गुजार दिया और घर वहीं का वहीं रहा। ओके वेल गाइस, ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी और 2013 में ये जो हम कहेंगे वीडियो हाँ सामने आई थी, और आज भी ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा हो रही है क्योंकि हमें भी सजेस्ट की गई है ये वीडियो। आपका क्या पक्ष है इस पे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मैं जाऊंगा वीडियो चैनल पर। गुड बाय।